हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन जब भी कभी हो रहा हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने नॉर्मली तो देख लिया था भाई, एक हमने टेक्निक सीखी थी टेक्फी करके, हम स्टेप पांच स्टेप लिखते थे, पहले टेंशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर कंस्टेंट, फिर एफबीडी और लास्ट में इक्वेशन। इस तरीके से हम सवालों को कर लेते थे और इस पर हमने खूब सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बट हमारा मन कर रहा है कि दो चार से क्वेश्चन हम और करा दें, फिर इसके बाद हम लोग अगली चीज पे पढ़ेंगे जो इसके बाद की चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक को आज की क्लास एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक मिनट, चलो करो इस क्वेश्चन को। टेढ़ा हो गया, मिट गया ये तो, कोई बात नहीं, मिट जाने दो। चलो एक क्वेश्चन है इस तरीके का, एक पुली है, फिर फोर एम लटका दिया, यहाँ पे एम लटका दिया, और सवाल ये कि अब आपको बताना है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना कितना हुआ। ये फिक्स्ड है, ये वाला एंगल है 53 डिग्री का, ये वाला एंगल है 37 डिग्री का। फटाफट बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बोलो, बताओ बेटा। दूसरा एम है सर। हाँ दूसरा एम है, चलो बेटा टाइम हो गया काफी, अब स्टार्ट करते हैं, देखें कि कल आएगा एचआरडी मिनिस्टर। हाँ वही वही देख रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर बोले कल आएगा रिजल्ट तुम्हारा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, करें क्वेश्चन को, समय हो गया काफी। चलो इधर देखो बेटा, इसको बोल दे, ये हमारे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए A1 से, ये नीचे जाना चाहिए A2 से। अरे सबसे पहले टेंशन असाइन करना सीख ले, लगा कर दें इसमें टेंशन, दे दें। चलो टेंशन क्या होगी, सबसे पहले इसमें T, इधर इधर एन एन में टूटी हो गई। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहले कंस्ट्रेंट के लिए क्या बनेगा, टी इंटू A1 माइनस 2T into A2 इक्वल्स टू 0। टी टी कट गया, A1 इक्वल्स टू 2A2, करेक्ट। अगर हम A2 को A बोल दें तो ये हो जाएगा हमारा 2A। अब हमारे पास अननोन कितने हैं, A and T। इक्वेशंस कितनी पड़ेंगी, दो की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले सीक्वेंस वही थी, टेक्सी टेंशन लिख दिया, एक्सेलेशन लिख दिया, कंस्ट्रेंट बना दिया। अब एफबीडी की बारी है, 4m वाले की जब आप एफबीडी बनाओगे, अरे यार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, फोर एम जी यहां से क्या लग रहा है, 2t, यहां से क्या लग रहा है, n, आप जानते हो एन और एम जी के बीच का एंगल होता है थीटा। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, नहीं नीचे की तरफ है, कितना है ए, तो थीटा नहीं है ये, 53 डिग्री है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 4mg - 2t = 4m into, अरे यार ये क्या लिख रहे हैं, 4mg का एक कंपोनेंट होगा, साइन 53 डिग्री माइनस 2t = 4m into a। 2 2 उड़ा दो, 2mg * 4/5 - t,
अबे ए टू को ए ले लेंगे तो ए वन टू ए हो जाएगा ना, समझ रहे हो? अखिल जो छोटा है उसको ले लो ए, दूसरा वाला उसी के मल्टीपल में निकल आएगा, टू एम ए हो गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए किसकी एफबीडी बनाए? इस एम वाले की एफबीडी बनाए। फोर एम नहीं, एम बनेगा यहां एम जी, यहां से बनेगा आपका एन वन, यहां से लगेगा आपका टी, और इसी की तरफ है आपका एक्सेलरेशन ए। आप जानते हो ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री का। तो टी माइनस एम जी साइन 37 इक्वल्स टू एम ए। साइन 37 इज 3/5, तो टी माइनस 3/5 एम जी इक्वल्स टू एम ए। ये सेकेंड इक्वेशन होगी, दोनों को जोड़ दो। तो 1+2 करोगे, टी से टी कट जाएगा, 2 8, 8 में से 3 चले जाएंगे, 5 हो जाएगा। क्यों बेटा? 8 में से 3 चले गए तो 5 बचा, 5 से 5 कट गए, 2 और 1 3, 1 कुल सू कितना आ गया, g/3। अगर हम गलत नहीं है तो सही है। एक्सेलरेशन उसे वाले का 2a होगा ना, किसका? ओके बेटा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी 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 बेटा, ये 2a है, 2a है तो इधर पे ये कर ले रहा है, 2a कर दिया अब, ठीक है। नहीं, ये तो mg ही, m into 2a हो गया, तो इधर पे 2 कर दो, 2 और 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, g/4 आ जाएगा। गलत है कि सही है बताओ बेटा, कुछ मिस्टेक हुई हमसे? अरे बोलो बेटा, छोटा कर दे अपने आप को, अटक रहा होगा। लो 8+3 11 होगा ना, कैसे 8mg/5 4 3mg/5, हाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा? यस सर, सही सही है ना? चलो yes. g/3 नहीं बेटा, g/4 होगा अंशुल, ये 2a था भाई, मिस्टेक, हम ठीक से जोड़े नहीं थे उसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और दें, हमें लग रहा है एक आध क्वेश्चन और आवश्यकता है, एक आध क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट है, अभी देखा जाए उसको। बोलो yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करो फिर, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। इसमें हम 3 ऑब्जेक्ट दे दें क्या बेटा? Yes. हाँ आवश्यकता है। फिर आज बड़ी अच्छी चीज हम तुम लोगों को सिखाएंगे, अभी NLM फॉर अ सिस्टम, बढ़िया चीज है, काम की चीज है। चलो करो इस सवाल को। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m, यही बताना है तुम्हें। टूटी टूटी
चलो बताओ जल्दी फटाफट क्या आ रहा है। नहीं हम सॉल्व नहीं कर रहे थे बेटा, सॉल्व आप ही लोगों को करना है, आंसर बताओ फटाफट। कृति जी भाई 14, हाँ बेटा स्टार्ट करें। यस सर। चलो देखते हैं, आ गए बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए, फटाफट देखो। सबसे पहला काम हमने टेंशन असाइन कर दी थी, एक्सेलेशन असाइन कर दिए, ठीक है, दो काम अपने हो चुके हैं। अब अपन को काम क्या देखना है अगला, कंस्ट्रेंट बनाना। कंस्ट्रेंट में इसके लिए क्या बन रहा है, दो और दो चार माइनस 40 इंटू ए वन, और इसके लिए कितना है प्लस 2t इंटू ए टू इक्वल्स टू जीरो। टी से टी काटें, टू से टू काटें, ए टू इक्वल्स टू 2a1, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, करेक्ट। अब दूसरा देखें अगर हम, अब इसकी एफबीडी, ठीक है, तो 2t वाले की जो एफबीडी बनेगी, सॉरी 2m वाले की, इधर हो जाएगा 2mg, यहां से आ जाएगा आपका n, यहां से n आ जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। और एक्सेलरेशन की बात अगर हम यहां पे करें तो एक काम करते हैं, a1 को बोल दे रहे हैं हम a, तो a2 कितना हो जाएगा बेटा 2a, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, दूसरे रंग के मार्कर से बना दे। एक्सेलरेशन हो गया इसका इधर की तरफ 2a, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 2t इक्वल्स टू कितना था इसका मास, 2m इंटू 2a, यानी कि लिखा रहने दे रहे हैं हम इसको, टी इक्वल्स टू 2ma, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। इसकी एफबीडी जब बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ, इसकी एफबीडी जब बनेगी तो हो जाएगा यहां से कितना, mg, ऊपर की तरफ है 4t, इधर की तरफ है a, एक्सप्रेशन की बारी आएगी तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, बोलो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 4m नहीं, mg माइनस 4t इक्वल्स टू एम ए, टी बाई फोर को डिवाइड कर दिया, यहां से आ गया एमजी बाई फोर माइनस टी इक्वल्स टू एम ए बाई फोर, करेक्ट। अब अगर हम वन प्लस टू कर दें तो क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, एमजी बाई फोर इक्वल्स टू दो और आधा, ठीक है, 8, 9/4 ma, करेक्ट है, 4 से ये 4 कटा, a इक्वल्स टू m से m कटा, a इक्वल्स टू g बाई 9। आयुष का ठीक लग रहा था, बाकी लोगों के गड़बड़ा गए। अंशुल का 14g बाई 9, 2m का पूछा गया था ना, हाँ तो 2m का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, a2 पूछा गया ना, तो a2 इक्वल्स टू 2g बाई 3, 2a के बराबर है। बोलो कोई परेशानी दिक्कत समस्या है इसमें,
गड़बड़ हो रही थी बात। चलो आगे बढ़े, 2g/9 होगा ना, 2g/9 सॉरी सॉरी बेटा, 2g/9 आप ठीक है। चलो आगे बढ़े बढ़े आगे, एक क्वेश्चन अब एक आध सरफेस कंस्ट्रेंट वाला देख लें क्वेश्चन, फिर हम पहुंच जाएंगे अगले वाले टॉपिक पे जो कि थोड़ा सा अलग है। चलो तो अब एक सरफेस कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइडेंटिकल मास की दो बॉडी है, ये एंगल है थीटा, ठीक, सवाल समझ में आ गई होगी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, जो भी था, जीरो नहीं, नेक्स्ट है। फिर हम आज पढ़ाएंगे आपको एनएलएम फॉर अ सिस्टम, बढ़िया चीज है, बहुत कमाल की चीज है एनएलएम फॉर अ सिस्टम। पहले इसको करो, रिकॉर्डिंग बंद थी, चलो रिकॉर्डिंग बंद करके हम बताने लगे थे बेटा, फिर से बता दे रहे। तो देखो हम जो ये कह रहे थे फिर से बताते हैं, हमने कहा हमारे पास पांच तरीके होते, पांच मतलब स्टेप होते हैं जिनमें सवाल को करना होता है, टेंशन लिखना नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन असाइन किया इसका A1 इसका A2, बात आ रही थी कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट के लिए भाई सरफेस कंस्ट्रेंट का तो एक सीधा फंडा है कि सबसे पहले नॉर्मल वाली लाइन लो, नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बराबर बराबर करने होते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई नहीं समझ में, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एन और एमजी के बीच की लाइन है ना, देखो ये नॉर्मल की लाइन है और ये एमजी की लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा, थीटा। ये एन है, ये एमजी की लाइन है, ये एन है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90-थीटा। अब जो नॉर्मल है उसके अलोंग दोनों के कंपोनेंट बराबर बराबर करने हैं, बोलो। तो अगर नॉर्मल के अलोंग दोनों के कंपोनेंट बराबर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका क्या आएगा, ए टू का कॉस थीटा, और इसका क्या आएगा, ए वन का साइन थीटा, यानी कि ए टू इक्वल्स टू ए वन टेन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब एफबीडी बनाना है और इक्वेशन लिखना है, सबसे पहले इस एम की एफबीडी बनाए, डरना नहीं बेटा किसी भी तरीके से। सबसे पहला काम क्या होता है, एमजी लिखते हैं हम। अब दो जगह से नॉर्मल लगेंगी, एक दो, यहां से लग रही थी कितनी एन वन, और यहां से कितनी लगेगी एन टू। वैसे आप जानते हो एन टू और एमजी के बीच का एंगल थीटा होगा, क्या कहते हो, एबीडी बन गई। हाँ बस एक्सेलरेशन लिखना बाकी है, तो एक्सेलरेशन इसका कितना है ए टू, एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा बताओ, एमजी माइनस एक्सेलरेशन की तरफ जो भी नेट फोर्स होगा वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाता है, क्या लिखोगे बोलो, एमजी माइनस एन टू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए टू। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, ये एमजी
आपके जो n2 लगा था इसने इस पे लगाया था n2, वही इस पे भी लगेगा, और आप जानते हो ये वाला एंगल n2 और mg के बीच का एंगल है, ये हो जाएगा थीटा। एक नॉर्मल n3 इधर से आ जाएगी, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है a1। अब बताओ इस a1 को कौन लगा रहा है, इस n2 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। भाई दो इक्वेशन नहीं, इनफैक्ट इसको टू बोल दो, इसको थ्री बोल दो। अननोन कितने हमारे पास, एन वन प्रॉब्लम में देखो अच्छा अच्छा एन वन है ही नहीं, एन टू है, और कौन है ए वन ए टू, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व, हम करें, बोलो हम कर दें। चलो इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं थी, एन टू को काटना था और A2 की जगह पे लिखना था A1 tan theta, N2 equals to M A1 upon sin theta। तीसरी इक्वेशन इसको बना दो, ठीक है, यहां से क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी बदल दो, क्या लिख दो यहां पे, MG upon cos theta, दिख रहा है, विजिबल है, या पतला मार्कर ले ले, चल पतला मार्कर लेके अच्छे से बता रहे, तो यहां पे आ जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस एम टू इक्वल्स टू एम, ए टू की जगह क्या ले सकते हैं हम, ए वन टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको बना दो इक्वेशन नंबर टू, टू प्लस थ्री कर दो, N2 से N2 उड़ जाएगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा mg अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू N2, N2 जा चुका था, यहां से क्या बनेगा बेटा m a1 sin थीटा अपॉन cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा, और यहां से आ जाएगा प्लस m a1 अपॉन sin थीटा, ठीक है, एम एम उड़ा दो, जो भी आया थाम झाम करके, अब तुम देखो कि क्या है ये, ठीक है, ये अब हमारा काम नहीं है, यहां से निकल के आ जाएगा ए वन ए टू, बोलो कर लोगे अब इसको, हाँ कोई बात नहीं अखिल, अब नहीं दिख रहा है ना, अरे बेटा कोई टेंशन नहीं है, अभी आपके पास दो एक्सप्रेशन है ना, इसको टू बोल दो, इसको थ्री बोल दो, तो टू और थ्री तक तो आप पहुंच गए थे, बाकी का काम वैसे ही हमारा नहीं है, हम तो आपको सॉल्व करके बताए कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये काम हमारा नहीं है बेटा, बात समझ रहे हो, ये काम आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। चलो क्या और देना है ऐसा क्वेश्चन एकाध, या हो गए, सरफेस कंस्ट्रेंट का ये क्वेश्चन काफी है, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आज हम लोग एक अच्छी चीज देख रहे हैं जो कि एनएलएम फॉर अ सिस्टम, ठीक है, अच्छा अच्छा ये कह रहे हो क्या, पहले दिख रहा था ये, क्या ये चीज जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये छोटा छोटा लिख रहा है, पतला पतला ये नहीं दिख रहा, आगे से हम मोटा मोटा लिख देंगे उसको, टेंशन नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखे, अगला है एग्जांपल नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हो जाता है वाइट बेटा, कोई दिक्कत है क्या सर, वाइट सही रहता, अच्छा चलो ठीक, हैप्पी, खुश हो जाओ सर, आंखों में बहुत चुभ रहा है, चुभे गई आंखों में, वही तो कह रहे थे हम, ब्लैक यार, ब्लैक आंखों में थोड़ा सा कम लगता है, ये कलर ये होता है ना कि ब्लैक में आंखों में भी जलन कम होती है ना, हाँ अब चमक रहे ना चलो कोई बात नहीं बेटा, ग्रे नहीं हो रहा बेटा, कोई बात नहीं है, अभी
अभी पढ़ाते हैं इस पे, ठीक है? हम देख लेंगे थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर हो पाएगा। वैसे ब्लैक सबसे सही रहता है, आंखों में कम चुभता है, दूसरी चीज है कि ठीक रहता भी है। चलो आंखें भी बचानी है, मिशन आंखें बचाओ है। दिन भर तुम लोग पढ़ पढ़ के जो है पक जाते होगे यार, आंखें दर्द करती होंगी, इसमें कम दर्द होता है। चलो एग्जाम्पल देखो, अगला वाला एग्जाम्पल नहीं है अभी, अब हम नया टॉपिक देख रहे हैं। उप्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक मिनट बेटा, एक मिनट यार, ये हमारा पीपीटी नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में आ गया, क्या हो गया इसको। एनएलएम फॉर अ सिस्टम जो है बेटा अपने आप में बहुत कमाल की चीज है, इसको थोड़ा सा देखते समझते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ अगर लेके आप उनकी एनालिसिस करो, तो उस वो कैसे करेंगे वो हमें इस टॉपिक में देख। ठीक है, तो हम आपको एक काम की चीज बता रहे हैं, कमाल की चीज, कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, M1 है, M2 है, ये M3 है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम पे यहां की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो सिग्मा एफ एक्स था, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो सिग्मा एफ वाई था, ठीक है। इधर ये पूरा सिस्टम है, हम एक साथ ले रहे हैं इसको, सिस्टम के अंदर M1, M2, M3 है। हाँ, सिस्टम के अंदर M1, M2, M3 है। अब देखो M1 जा रहा था इधर की तरफ, इन सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में M1 इधर की तरफ A1 से जा रहा था, M2 ऊपर की तरफ A2 से जा रहा था, और M3 इधर की तरफ जा रहा था A3 से, थीटा के एंगल से। तो NLM फॉर अ सिस्टम कहता है कि जब बहुत ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हो तो नेट फोर्स जो भी लग रहा है इसको क्या बोलोगे, नेट फोर्स। सिग्मा एफ आई का मतलब नेट फोर्स है, या हम अलग से लिख दें एफ नेट, है ना। एफ नेट इक्वल्स टू, अगर अलग अलग के अलग अलग एक्सेलरेशन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम वन ए वन वैक्टर, एम टू ए टू वैक्टर, एम थ्री ए थ्री वैक्टर। करेक्ट है बात, बोलो, ऐसे लिख सकते हो। अब इसी को अगर हम बोलें, ठीक है, दो डायरेक्शन में तोड़ दें, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो, अच्छा इसको एक बात बता दें बेटा, जब कोई वेक्टर फॉर्म में होता है तो आप उसको एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। तो इसको लिखने के लिए ये तरीका हो सकता है कि सिग्मा एम आई ए आई एक्स, इसका x कंपोनेंट, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू सिग्मा एम आई ए आई वाई, ठीक है, सबके y कंपोनेंट। ये जो लिखा हुआ है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की लैंग्वेज लग रही होगी, इसको बहुत सिंपल तरीके से सवाल में देखें। हमने कहा जितने भी फोर्सेस थे सबका x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आया वो सिग्मा एफ एक्स आया, और इसके बड़े फायदे मिलते हैं, अभी हम बात करेंगे, आपको भी लगेगा कि सर ये बड़ी कमाल की चीज थी। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो एम वन का क्या आएगा, पूरा के पूरा, ए वन पूरा इसी तरफ है, हाँ है ना, बताते जाना इसको जरा ध्यान से देखना, एफ एक्स है, एम वन का पूरा पूरा इसी तरफ है, तो एम वन ए वन लिख दें, प्लस एम टू इंटू जीरो लिखें, क्यों, क्योंकि ए टू का इधर की तरफ कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा, अगर आपकी मर्जी है तो लिख लो ए टू कॉस 90 डिग्री, प्लस M3 का कितना हो, A2 तो y के डायरेक्शन में जा रहा है ना, हाँ हाँ, तो x की तरफ उसका कोई कंपोनेंट नहीं है ना, तो cos 90 लिखा ना, तो उसे x में मेंशन ही नहीं करना चाहिए, नहीं कर दिया, लो हटा दिया, ठीक है, यस। अब खुश, M3 into A3 का कौन सा कंपोनेंट होगा, A3 cos थीटा, ये एक्सप्रेशन लिखने में किसी को कोई एतराज, आपत्ति, परेशानी आ रही हो तो बताओ, ठीक है,
चलो करेक्ट है। बाई वाला कंपोनेंट क्या होगा? आप लोग सब लोग लिखो पहले अपनी कॉपी पे, खुद से लिखो क्या आएगी। सर M2A2 प्लस M3A3 साइन थीटा। वेरी गुड। देखो एफ आई, M1 का कोई कंपोनेंट ऊपर की, A1 का कोई कंपोनेंट ऊपर की तरफ नहीं है तो जीरो लिख दिया। M2 का पूरा पूरा A2 है ऊपर की तरफ तो M2A2 लिख दिया, गुड। और M3 का ऊपर की तरफ A3 का कौन सा कंपोनेंट है? A3 साइन थीटा। तो ये दो एक्सप्रेशन है, बोलो क्लियर है बात? हाँ या ना? ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है? अब इसके एप्लीकेशन देखें, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको लिख लिया सबने? कोई ऐसा जिसने ना लिखा हो? लिख लिया सबने, बोलो बेटा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है एप्लीकेशन में। चलो देखो एप्लीकेशन की बजाय एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। देखो बेटा, सर एक बार ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। देखो अखिल, बताना है? अबे कुछ नहीं होता, देखो एक्स एक्सिस की तरफ जो भी है वो नेट फोर्स इक्वल्स टू, सबको अलग अलग लिख लो। M1 का इधर की तरफ कितना एक्सेलेशन? पूरा A1। M2 का इस तरफ कितना एक्सेलेशन है? जीरो। M3 का कितना है? A3 cos थीटा। तो इन सबको इस तरीके से लिख लो। ठीक है बेटा, आ गया? चलो गुड। अब देखो इस पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल कैसा है? इस तरीके का है कि एक रस्सी है, इस पे बानर है, बानर समझते हो, इस पे बंदर है। बंदर कैसे है? एक बंदर ऐसे था, एक बंदर ऐसे है, करेक्ट। तीसरा बंदर ऐसे है, ठीक है। ये जा रहा था नीचे की तरफ G/2 से, इसका मास था 2m, इसका मास था 4m, ये जा रहा था ऊपर की तरफ G/4 से, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसका मास है m और ये जा रहा था ऊपर की तरफ g से। ये तीन बंदर है, ठीक है। हमारा सवाल है, क्या आप बता सकते हो फोर्स ऑन द सीलिंग? ठीक है, क्वेश्चन इज फोर्स ऑन द सीलिंग कितना होगा? तो सीलिंग पे कितना फोर्स होगा ये हमको देखना है। इसका सिंपल तरीका है, देखो बेटा, अब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और आप जानते हो कि FBD में कौन से फोर्स दिखाते हो? वही फोर्स जो कि एक्सटर्नल हो, इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते। तो NLM फॉर अ सिस्टम में ये अच्छा होता है कि आपको बाहर की चीजें नहीं दिखानी होती हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो हमने इतना हिस्सा कंसीडर कर लिया, बोलो ये पूरा एक सिस्टम है, हाँ चल चल रही है बेटा अखिल, लेकिन सुनो इसको, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से। ये कितना कितना नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, बोलो। ये पूरा एक सिस्टम बना ले रहे हैं, अबे हाँ, इस पे नीचे की तरफ टोटल फोर्स क्या आएगा बेटा, बोलो कितना मास है? 2m 4m, 7mg। इतना नीचे की तरफ फोर्स लगा बेटा, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? अगर ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ यही टेंशन लग रही कि नहीं लग रही? हमसे पूछा जा रहा है कि ये टी की वैल्यू कितनी होगी, और जितने भी फोर्सेस हैं वो सब अंदर ही अंदर हैं कि नहीं है, बोलो। इंटरनल फोर्सेस को कभी FBD में नहीं लिखते,
ये बन गया कि नहीं बन गया बोलो, हाँ या ना। अब इस डायरेक्शन में देख लो अलोंग बाई एक्सिस, अलोंग बाई एक्सिस नेट फोर्स कितना है बेटा बताओ। नेट फोर्स इज टी माइनस सेवन एम जी, ये सात है ना टोटल मास, एम टू एम और फोर एम मिला के, तो क्या लिखोगे टी माइनस सेवन एम जी बोलो इक्वल्स टू, अलग अलग का पकड़ो अब आप, ये एम वाले का क्या है एक्सेलरेशन एम जी बोलो सही है, फोर एम वाले का कितना है जी बाई फोर, तीसरे वाले का कितना है, तीसरा वाला नीचे जा रहा है बेटा तो नेगेटिव में होगा इसका, प्लस टू एम इंटू माइनस जी बाई टू, ठीक है तो कितनी आई टेंशन की वैल्यू, इससे ये कट गया, टी की वैल्यू आ गई एट एम जी। तो बोलो ये बहुत सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, अरे बताओ बेटा। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन और दें तो समझ में आएंगी चीजें अच्छे से। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो, ये तो हमने बताया, अगला आपको बताना है, ठीक है इसको नोट कर लो एक बार, देख लो सब लोग देख लो, देख लो एक बार अच्छे से। हाँ हाँ बनाओ, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं। लिख लिया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ही पूरा सोचना है, ठीक है, सेम है इसी जैसा क्वेश्चन है, ये आइडियल स्ट्रिंग है, एक एम मास का ब्लॉक था, ठीक है, और इसके ऊपर एक बंदर है, वो कुछ ऐसे चढ़ रहा था, टू एम एम ये जा रहा था ऊपर की तरफ, एक मिनट टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये ऊपर की तरफ जा रहा था g से, ये जा रहा था g बाई फोर से, ठीक है आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन द सीलिंग बाय द स्ट्रिंग, जल्दी बोलो क्या आएगा देखते हैं, बताओ फटाफट। कितना आ रहा है बेटा? 5 mg by 2। देखते हैं बाकी और भी बताओ कोई। सर कमजोर तो नहीं स्ट्रिंग, नहीं तो बंदर गिर जाएगा। हाँ बेटा स्ट्रिंग की ताकत लगा के भी होता है, अभी हम अगला क्वेश्चन वही दे देंगे जिसमें स्ट्रिंग की क्षमता होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर उसमें पूछ लेंगे बंदर कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन रख सकता है, ठीक है। अंशुल का 21 एम जी बाई फोर, वंशज का 5 एम जी बाई टू, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं।
देखो अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें ऐसे करके, एक मोटे से बना दे रहे हैं इसको, चलो इसमें ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? 4mg लिख दें, डायरेक्ट 4mg लिख दें। चलो इसी डायरेक्शन को आप अगर पॉजिटिव मान लोगे तो टी माइनस 4mg इक्वल्स टू m वाला g से ऊपर जा रहा है, 2m वाला जी वाई 4 से ऊपर जा रहा है और m वाला जीरो से जा रहा है। तीन मासेस के 4mg क्या बेटा? ये m है, 2m है और m है, तो 4m नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा, ये वाला तो कट गया, ये वाला m तो कोई एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा था, तो t की वैल्यू क्या लिखोगे आप तुम? अब 4mg प्लस mg प्लस mg बाई 2, तो इधर से कितना आ गया 11mg बाई 2। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था, कुशाग्र, दिव्यांशी, इसके ऊपर भी बहुतों के आंसर आ गए थे। चलो बहुत बढ़िया, हमें मानते हैं कि अब आपको मनसज गड़बड़ कर गए, आर्यन आयुष का सही था तो दोबारा आंसर दिया, दोबारा दिया। चलो ठीक है, बात आई समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। अब होता क्या है, जब बहुत सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, तो बहुत सारे ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हो, एक काम कर लो इसको, चाहे तो आप अपने तरीके से लिख लो ऐसे एक बल्ब बना के, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें जो कमा अच्छी होती है, काम की चीजें होती हैं। व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक सिस्टम मान के एक साथ एक्सेलरेशन निकाल लो। सबसे पहले एक एक्सेलरेशन निकालो, पहले एक सिस्टम मानो, ठीक है, एक सिस्टम मान के पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर उसके बाद जो भी आपको चाहिए हो आप वो इंडिविजुअल एफबीडी बना के वो फोर्स निकाल सकते हो। इन शॉर्ट अगर हम ऐसे बोलें कि हमारे पास ये तीन ब्लॉक थे, तीनों के नाम है ए बी और सी, ठीक है, 3mg नीचे लग रहा है, हमने ऊपर दे दिया 6mg और पूछा जा रहा है कि फाइंड टेंशन, या सबसे पहला सवाल इसमें ऐसा हो रहा है, चलो सबसे पहला पार्ट हमने पूछा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फिर सेकंड में है टेंशन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में क्या टेंशन है। चलो तो इस सवाल को करें, सबसे पहला एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस पूरे को एक सिस्टम मानो, नीचे की तरफ क्या लगेगा, 3mg बोलो, और इस पूरे सिस्टम का एक कॉमन एक्सेलरेशन है ए, अगर आप देखो तो तीनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ये बन गई है बीडी। अब इसी डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव मान के लिख दो तो कितना ऊपर की तरफ लग रहा है, 6mg, नीचे कितना लग रहा है, 3mg इक्वल्स टू, बोलो तीनों का मास एक साथ लिख के एक्सेलरेशन लिख दें या अलग अलग करके लिखें, तीनों एक ही तो है, एक साथ कर दिया, m plus m plus a into a, तो इधर से कितना आ गया, बोलो 3m था, 3m था, a equals to कितना आ गया आपका g, बोलो क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अरे बताओ बेटा, तो जब भी कभी ऐसे सवाल हो जो आपस में कनेक्टेड हो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लोगे एक सिस्टम मान के, फिर दूसरा
इंडिविजुअल एफबीडी से। करेक्ट, पहले एक्सेलरेशन मान, एक साथ एक कंबाइंड एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर एक इंडिविजुअल एफबीडी से आपको जो फोर्स चाहिए है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे वाले पार्ट में क्या है बेटा, देखे दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में है बेटा, देखना जरा ध्यान से, बी और सी के बीच की टेंशन चाहिए, मतलब इस रस्सी में टेंशन चाहिए, इस और इस रस्सी में कितनी है टी टू, ये टी वन कैसे निकलेगी बेटा, टी वन अगर निकालनी है तो इस एम की एफबीडी बनानी ही पड़ेगी, या इस वाले एम की या इस वाले एम की, बोलो किसकी एफबीडी बनाना चाहते हो, बी की सी की, सी की, या तो देखो बी की एफबीडी बनानी पड़ेगी, बी की बनाओगे तो उसमें टी टू अनवॉन्टेड आ जाएगा फिर परेशान करेगा, और अगर सी की बनाओगे तो उसमें केवल टी वन दिखेगा, देखो तो सी की एफबीडी बनाई हमने, नीचे की तरफ क्या लग रहा था एम जी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा था आपका टी वन, और एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला हमने कितना आ रहा है इसका जी ऊपर आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, एक्सेलरेशन कितना है इसका ये वाले ब्लॉक का ऊपर की तरफ ए, सॉरी ए नहीं, कितना है जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस सर। अब एक्सप्रेशन लिखने में कोई बुराई नहीं है, टी वन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू जी, तो टी वन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2mg, बोलो एग्री कर रहे हैं इस बात से, हाँ कीर्ति बोली सर पिछला वाला आंसर दिखा दीजिए, लो देख लो बेटा इसकी बात कर रहे का 11mg by 2 है, ठीक है कृति, yes, अच्छा बंसज पूछ रहा है सर बी क्यों नहीं लिया, बी में हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम ले लो बी, चलो बी में, लेकिन एक बात बताओ देखो बी में जैसे ही आप बी की एफबीडी लोगे इधर क्या लिखोगे आप एम जी, नीचे की तरफ क्या लगेगा टी वन, ऊपर की तरफ क्या लगेगा टी टू, एक्सेलेशन क्या है जी, फंस गए ना टी टू, टी टू के लिए फिर एक दूसरी एफबीडी पकड़नी पड़ेगी तुम्हें, टी टू कहां से लाओगे, फिर आपको एम की एफबीडी बनानी पड़ेगी, ए की एफबीडी अलग से बनानी पड़ेगी, तो अच्छी बात है क्या उलझना, ठीक है इसीलिए नहीं लिया बी, बात समझ रहे हो, ओके चलो एक क्वेश्चन और दें हम, चलो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नेक्स्ट, एम टू एम फोर एम, यहां से हमने फोर्स लगाया एफ नॉट का, और सबसे पहला सवाल है आपको पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए आपसे, लेकिन आपको वही करना है, सबसे पहले एक सिस्टम मान के आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है फिर आपको जो इंडिविजुअल फोर्स पूछा जाए वो एफबीडी हमारा। अब सवाल है पहला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सेकंड में है फाइंड टेंशन बिटवीन एम एन टू एम, थर्ड है टेंशन बिटवीन टू एम एंड फोर एम, बोलो ध्रुव देख रहे हैं बेटा, हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, ठीक है परेशान नहीं होना, बस ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और फिर हम फटाफट पहुंच जाएंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, जो टेस्ट लिया था कल। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है बेटा, हमें एक बात बताओ, डिस्कस करें क्वेश्चन, बोलो बेटा, देखो एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम की जब भी कभी आप एफबीडी बनाओगे तो अगर ध्यान से देखो इधर की तरफ आ जाएगा 7mg और ऊपर की तरफ आ जाएगा n, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा किससे मतलब है, इधर की तरफ केवल एक एफ नॉट है और इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन है a, इसी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना है एफ नॉट,
टोटल मास कितना है m प्लस 2m प्लस 4m इनटू a अलोंग x एक्सिस. हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप बिना लिखे भी कर सकते हो. F नॉट इक्वल्स टू m प्लस 2m प्लस 4m इनटू a. तो यहां से कितनी आ गई a की वैल्यू F नॉट बाई 7m. ये फर्स्ट हो गया. अब हमें चाहिए टेंशन बिटवीन m एंड 2m. ठीक है, m और 2m के बीच में चाहिए टेंशन. तो आपको यहां पे टेंशन लिखनी पड़ेगी. बोलो क्या आ जाएगी इसमें टेंशन. T मान ले T1, इसमें टेंशन क्या मान ले T2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. टी वन टी टू हो गया. अब देखो इस एम की बीडी में क्या बनेगा. नीचे एम जी, ऊपर एन वन मान लो. चलो इधर की तरफ टी वन और एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना है बेटा. बोलो एफ नॉट बाई सेवन एम. एफ नॉट बाई सेवन एम का एक्सेलरेशन. तो टी वन इक्वल्स टू एम इंटू एफ नॉट बाई सेवन एम. ये हो गया कौन सा, सेकंड वाला पार्ट. थर्ड वाला हम बता नहीं रहे, थर्ड वाला आपको खुद से बताना है. बताओ थर्ड वाला फटाफट. थर्ड वाला बताओ खुद से. किसकी एफबीडी बनाओगे, 4m की बना लो डायरेक्ट. टी टू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी. जीरो कैसे आ जाएगी बच्चा. थ्री एफ नॉट कैसे हो जाएगी. अबे यहाँ एफ नॉट, यहाँ थ्री एफ नॉट. चलो देखते हैं. वैसे हमारे हिसाब से आना चाहिए थ्री एफ नॉट बाई सेवन. किसकी बनाई है बीडी, टू एम की फोर एम की. टू एम की बनाओगे, उसमें टी वन लिखा था. हाँ तो फिर गड़बड़ हो गया ना. 4m की FBD में यहां से लग रहा है F नॉट, यहां से क्या लग रहा है T2. यहां जो भी लगेंगे वो सब किसी मतलब के नहीं है. एक्सेलरेशन कितना है इसका, F नॉट बाई 7m. एक्सप्रेशन लिखो बेटा, F नॉट माइनस T2 इक्वल्स टू 4m इनटू F नॉट बाई 7m. इससे ये कटा, चार में से तीन गए, चार सेवन में से फोर गए, थ्री एफ नॉट बाई सेवन. तो तीनों हो गए. बोलो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन. हम यहां दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं वो HW के लिए. इसको लिख लिया, आगे बढ़े अब हम. अरे बोलो बेटा. बढ़ जाए आगे. यस सर. चलो नेक्स्ट देखो. ये दो क्वेश्चन लिख रहे हैं HW के लिए. ये जुड़े हुए हैं, थोड़ा दूरी दिख रही है बट दूरी नहीं है एक दूसरे से. M 2M 3M यहां से लगा रहे थे हम F नॉट का फोर्स. क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स बिटवीन 2M एंड 3M. नॉर्मल बिटवीन 2M एंड 3M. ठीक है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2m एंड 3m करेक्ट है. चलो आगे बढ़े.
ये पहला हो गया, दूसरा देखें, अरे बोलो बेटा। वैसे आप अब पूरी एच सी वर्मा लगा सकते हो, ठीक है, पूरी एच सी वर्मा माने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की पूरी एच सी वर्मा लगा सकते हो। एक क्वेश्चन है एच सी वर्मा में ही है, वो तुम लोग करना जरूर। उसमें ऐसा है कि रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दी जाएगी, उसमें एक बानर ऐसे लटका है, HW है, HCB का है, एक बानर की पूंछ से दूसरा बानर लटका है, ठीक है। अब ये इसके रिस्पेक्ट में कैसे चल रहा है वो सवाल देखना, बंदर बंदर दिख जाएंगे एक दूसरे से, दो बंदर वाला एक क्वेश्चन दिखेगा, वो वाला भी करना है, ठीक है। HC वर्मा नहीं तुम्हारे पास? नहीं।